everyone, students, take out your Bravia. Today we will do worksheet 29 in Bravia. ठीक है, the sentence. So hurry up, open worksheet 29 in your Bravia. Let's start. Similarly, change the following affirmative sentences statements into interrogative sentences, but do not forget to put a question mark. The first one is done for you as an example. हमने पिछली 28 वर्कशीट में अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव यानी नॉट लगा के नेगेटिव में चेंज किया था. आज हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाले में चेंज करेंगे. तो इंटरोगेटिव में चेंज करने के लिए जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल. दैट डॉग इज हंग्री. ठीक है, ये सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस. तो ये जो वर्ब है इज स्टार्टिंग में आ गया. तो जब ये स्टार्टिंग में आएगा तो पहले भी मैंने आपको बताया जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो पहला लेटर कैपिटल होता है. तो पहला लेटर इज का आई कैपिटल हो गया. इज उसके बाद दैट का टी स्मॉल हो गया क्योंकि दैट कोई नेम नहीं है. ठीक है, तो इज दैट डॉग हंग्री एंड देन क्वेश्चन मार्क. यानी इज जो है वर्ब जो है वो पहले आ गया और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क. सो लेट्स डू. द डॉग इज बार्किंग. अब इज क्या आ गया, पहले. ठीक है, द का टी हो गया स्मॉल. इज द डॉग बार्किंग एंड देन क्वेश्चन मार्क. ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें. हमने इंटरोगेटिव में चेंज करना है यानी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस में चेंज करना है. नाउ नेक्स्ट, इट इज वेरी हॉट टूडे. तो इज आ गया पहले, इट का आई स्मॉल. इज इट वेरी हॉट टूडे, क्या आज बहुत गर्मी है, क्वेश्चन मार्क. द गोट इज जेंटल. Is the goat gentle? Question mark. The cities are full of vehicles. अब are पहले आ गया. The का t small. Are the cities full of vehicles? And then question mark. I am very lucky. तो एम आ गया स्टार्टिंग में. एम आई वेरी लक्की, क्वेश्चन मार्क. शी इज अ स्मार्ट गर्ल. तो इज शी अ स्मार्ट गर्ल, क्वेश्चन मार्क. माई अंकल इज ओल्ड. इज माई अंकल ओल्ड, क्वेश्चन मार्क. देयर आर सम चिल्ड्रन इन द पार्क. आर देयर सम चिल्ड्रन इन द पार्क, क्वेश्चन मार्क. ओके स्टूडेंट्स.